गुरु प्यारी सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धनंका जी। सत्संगत जी, आज का टॉपिक है सबसे बड़ी कला। प्यारी सत्संगत जी, इस दुनिया की सबसे बड़ी कला है खुद को सुधार लेना। अगर हमने खुद को सुधार लिया, बदल लिया, तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। अक्सर होता क्या है ना कि हम दूसरों में कमियां देखते रहते हैं, इसने वो किया, उसने वो किया। तो जो ज्ञानी होते हैं ना, वो समझाते हैं कि जब हमारी एक उंगली किसी दूसरे की तरफ उठती है, तो बाकी तीन उंगली इशारा हमारी ओर करती हैं कि भाई पहले खुद को देखो, अपने अंदर झांकी मारो, अपने आप को सुधारो। दूसरों पे ही कमेंट करते रहते हो, दूसरों की कमियां निकालते रहते हो, तो ये छोड़ दो। सबसे पहले खुद को सुधारो, सेल्फ एनालिसिस, अपने आप का मूल्यांकन करो, अपने आप का विश्लेषण करो कि तुम कहाँ खड़े हो, कितने पानी में खड़े हो। देखो, अपने आप को देखो। जितने भी वली, पीर, पैगंबर, ऋषि मुनि, विद्वान, अवतार इस धरती पर आए, जितने ही भक्त आए, सभी ने इस बात पर जोर दिया कि सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ इंप्रूवमेंट, खुद को सुधारना। जिसने खुद को सुधार लिया ना, वो महान इंसान होता है। और सबसे बड़ी कला है खुद को सुधार लेना, सेल्फ इंप्रूवमेंट। अपने अंदर झांकी मारना है कि मेरे अंदर कहां पे कमी है। लेकिन हम करते क्या है, दूसरों में ही नुश निकालते हैं, दूसरों की कमी निकालते हैं। बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, तो हम सा बुरा न कोई। कबीर, सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोई। अब कबीर दास जी जैसे महान संत भक्त ये बात कहते हैं कि सबसे बुरा मैं हूं, अब सारी दुनिया हमसे अच्छी है। जब इतने महान संत ने बात कह दी, लेकिन होता क्या है कि भाई अब मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हो गया हूं, अब मेरे जितना ज्ञान तो किसी को है ही नहीं, बाकी सब तो चाय कम पानी है। मैं तो बहुत सुंदर हूं, बहुत हैंडसम हूं, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूं, बहुत सुंदर हूं, तो दुनिया में तो हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, सबसे अच्छा मैं हूं। इस तरह की बातें आज के इंसान में देखने को मिलती है। थोड़ा प्रभु कृपा हो गई, अगर थोड़ा हमें धन मिल गया, कुछ अचीवमेंट हो गया, तो उसका हम गुमान करते हैं, घमंड, तन का, मन का, धन का अभिमान हमें हो जाता है। तो जो अध्यात्म है ना, इन सब बातों से ऊपर उठाता है। मान मुनि मुनिवर गले, मान सबे को खाए, मारा गया जिसने कहा मैं बड़ा। और भी संत कहते हैं कि नीचे नीचे सत्रे संचरण लवलीन, और जाति के अहिमान थे बुढ़े सकल कुलीन। जात पात छुआ छूत मजहब मिल्लत, मेरा धर्म बड़ा है तेरा धर्म छोटा है, मैं ये धर्म का हूँ, मैं वो धर्म का हूँ, मैं इस जात का हूँ, तुम उस जात के हो, जात पात छुआ छूत खान पान रहन सहन, ये सब बातों को लेकर हम झगड़े करते हैं। तुम टोपी पहनते हो, मैं पगड़ी पहनता हूँ, मैं चंदन टीका लगाता हूँ, इस तरह की बातें। तो एक दूसरे में कमियां निकालना, एक दूसरे का नुक्स देखना, तो ये बातें जब तक हमारे अंदर हैं, तब तक हमारे जीवन में सुख शांति नहीं आएगी, जीवन में आनंद नहीं आएगा। दूसरों में जो कमियां निकालते हैं ना, वो दुखी रहते हैं, उनके लाइफ में सुकून नहीं रहता है। उनका सवेरे से लेकर शाम तक यही काम होता है, लोगों की बुराई करना, निंदा करना। जहां पर चार लोग बैठ जाएंगे ना, एक दूसरे की बुराई चालू। तो संसार की चाल ऐसी है, संसार की हालत ऐसी है। तो जब हम ज्ञानी संतों का, महापुरुषों का साथ करते हैं, तो महापुरुष इस बात को समझाते हैं कि अध्यात्म है क्या, अध्यात्म है खुद को चेंज करना, खुद को सुधारना। जब तक बंदा आध्यात्मिक होता नहीं है, परमात्मा को जीवन में ढालता नहीं है ना, अपने कर्म में, एक्टिविटी में, एक्शन में, तब तक
उसके अंदर चेंजिंग नहीं आती है, इम्प्रूवमेंट सुधार तभी होता है जब ये परमात्मा हमारे कर्म में आएगा, हमारे जीवन में आएगा। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। ज्ञान लेकर ज्ञान का जिसने ना उपयोग किया उसको लाभ मिला ना कोई, ना उसने आनंद लिया। तो ज्ञान को अपनाना पड़ेगा। ऊंची ऊंची बातों से बात न बनती भाई है, कहे हरदेव कर्म हो ऊंचे तब मिलती ऊंचाई है, कर्म से ऊंचाई मिलती है। हमारे कर्म महान होने चाहिए, और कर्म महान कैसे होंगे, जब खुद को जाके टटोलेंगे सवेरे शाम तक, हमसे कौन सी गलती हुई है, हमने क्या गलती की है, धीरे धीरे की गलती अपनी लिखना है और फिर उसको डिलीट मारना है, अपनी कमी को दूर करना है। मुझे बहुत गुस्सा आता है, बाद में तो मैं गुस्सा करता हूं, तो उस गुस्से को हमने कम करना है। किसी ने दो चार बात बोल दी तो हमने जवाब नहीं देना है, उल्टा जवाब देना ही नहीं है, साइलेंस निरंकार मौन है ना, हमने भी मौन शांत हो जाना है। सहनशीलता, बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा कि सहनशीलता कमजोरी नहीं शक्ति का सूचक है, सहनशीलता बल का प्रतीक है। जो शक्तिशाली होते हैं उनके पास सहनशीलता होती है, और सहनशीलता इंसान को शक्तिशाली बनाती है, पावरफुल स्ट्रांग। तो सहनशील बनना है, किसी की बातों पे हमने उल्टा जवाब नहीं देना है। उसने एक कही तो हम यहाँ पर दो सुना दें, उसने दो बात की तो हम चार बोल दें, और चार बोल तो हम आठ बोल दें। इसमें बहस होती है, और जहां बहस होती है ना वहां झगड़ा होता है, बहसबाजी से हमेशा झगड़ा होता है, अशांति पैदा होती है, कला माइंड दिमाग टेंशन में आता है। तो बहस है कि भाई मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूं, मेरे तर्क ऐसे हैं, तुम्हारे तर्क वैसे हैं, मैं तार्किक हूं, मेरे पास बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत माइंड है, मैं इतनी सारी किताबें पढ़ ली हैं, इसमें वो लिखा है, उसमें वो लिखा है। तो अपने ज्ञान का तमाम इस तरह का हम एक घमंड करते हैं। ज्ञान हमें शांति सिखाता है, ज्ञान हमें प्रेम सिखाता है, प्रेम शांति अमन सहनशीलता दया क्षमा विनम्रता, ये ज्ञान के लक्षण हैं। अगर ये सारी बातें हमारे जीवन में हैं तब तो हम ज्ञानी हैं। अगर अभी भी हम बहस कर रहे हैं किसी भी बात को लेकर के, या किसी के अंदर हमारे मन में एक बैर की भावना है, नफरत की भावना है ना, तो हम ज्ञानी नहीं हैं। तो जो ज्ञानी होते हैं ना उनका जीवन बोलता है, उनका कर्म बोलता है ज्ञानियों का। तो यही बात आज यहाँ पर दास के एक छोटे से विचार माइंड में आया कि सबसे बड़ी कला क्या है। कलाएं तो बहुत दुनिया में है, लेकिन सबसे बड़ी कला क्या है। तो दास को एक जो समझ में आया, दास के विचार है, शायद कोई सहमत होगा कोई सहमत नहीं भी होगा, विचार अपने अपने, सोच अपनी अपनी। तो दास का विचार यही है कि सबसे बड़ी जो कला है ना, ये खुद को सुधारना है। दुनिया की सबसे बड़ी कला है खुद को सुधार लेना। अगर हमने खुद को सुधार लिया, बदल लिया, तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये दास का एक एक्सपीरियंस है, अनुभव है, क्योंकि दास के अंदर बहुत सारी कमियां थी और आज भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन दास कोशिश कर रहा है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, दास खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि दास आजकल लोग ज्यादा बात करते ही नहीं है, दास का फोकस खुद पे और खुदा पे रहता है, इस खुदा निरंकार पे फोकस रहता है और खुद पे, कि हमने क्या ज्ञान लिया है, हमें क्या सिखाया गया है, क्या पढ़ाया गया है, तो उन बातों पे हम चल पा रहे कि नहीं। अनिल तिवारी, इतना टाइम से तुमने खुद को चेंज क्यों नहीं किया, तो खुद को चेंज करो। दास ज़्यादा किसी से फ़ोन पे बात नहीं करता, दास फोन पिक करता नहीं है, फोन उठाता नहीं है, और ज़्यादा व्हाट्सएप पे भी किसी से ज़्यादा बात पीसी में तो करता ही नहीं है। कोई थॉट्स आए, विचार है, वो ग्रुप में ही दास सेंड कर देता है, या फेसबुक पे थोड़ा डाल देते हैं। दास बिल्कुल साइलेंस, खुद को सुधारने में लगा हुआ है। दास कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिर चलती है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते ना सहजी मोती गहरे पानी में,
बढ़ता दुना उत्साह ऐसी हैरानी में मुट्ठी उसी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सत्संग जी प्यार से बोलिए धन रंका जी।